जरा देखें कि हम लोग कितनी गफलत में हैं, कितनी गफलत में। हमें जैसे यकीनी नहीं है कि हमें मरना है। रियलिटी क्या है, वास्तविकता, कि हम पहले इस दुनिया में थे नहीं। बोलो जोर से, इस दुनिया में थे, पक्की बात है ना? उधर श्रीलंका वाले, इस दुनिया में आप लोग थे पहले, पहले पैदा होने से पहले थे नहीं थे? अच्छा, बाद में रहोगे? बोलो यार, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे? नहीं। यानी हमारा ना यहाँ भूत, ना अतीत, ना भविष्य, ना पास्ट, ना फ्यूचर, और हम चले हैं अपने वर्तमान की छतरी उठाए फिर रहे हैं। जबकि ग्रामेटिकली जिसका पास्ट और फ्यूचर ना हो उसका वर्तमान संभव नहीं है। ये ग्रामर का कि इफ यू डोंट हैव अ पास्ट एंड फ्यूचर सो योर प्रेजेंट डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर आपके पास पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो आपके प्रेजेंट का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है, कोई उसकी धारणा ही नहीं। तो हम पहले थे नहीं, तवज्जो, बाद में रहेंगे नहीं, तो फिर हम हैं क्यों? मतलब साफ है कि हम यहां परमानेंटली नहीं आए। हमें अपना सफर जारी रखना और वहां तक जारी रखना है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। हमने जहां का टिकट कटाया है आलमे अरवाह में, जब तक वहां हमारी दुनिया की जिंदगी की रेल जब तक नहीं पहुंचेगी, हम अपने सामान को लेके नहीं उतरेंगे। वाह, कितना बेवकूफ यात्री है जो भरूच से टिकट कटाता है अहमदाबाद के लिए और बड़ौदा में उतर गया। कहेंगे क्या ज्यादा पैसा हो गया कि टिकट कटाया अहमदाबाद का, उतर गया बड़ौदा? अरे जब बड़ौदा उतरना था तो बड़ौदा ही का टिकट कटाते, पैसा कम लगता। लेकिन टिकट है डेस्टिनेशन का अहमदाबाद का, उतर गए बड़ौदा में। ऐसे को बेकूफ, बेवकूफ, अहमक कहा जाएगा यात्री को। क्या ऐसे अहमक हम नहीं है मेरे दोस्तों? हम चले आलमे अरवाह, वहां से चले बाप की सुलब में आए, वहां से चले माँ के पेट में आए, वहां से चले यहाँ आए, यहाँ चलते रहे, चलते रहे। यहाँ के बाद आगे कब्र है, कब्र के बाद हश्र है, हश्र के बाद फिर अगर अच्छे रहे तो जन्नत है। आगे अभी 3 मंजिल बाकी और सारा फितना यहाँ, सारा फसाद यहाँ, सारी उलझने यहाँ, सारा टेंशन यहाँ। अब इन टेंशन में मत पड़ो। अगर तुम्हें ये दुनिया दामे फरेब में लेने की कोशिश करे तो तुम सिर्फ ये याद करो कि हम जब यहाँ थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं, तो हमारे रहने का कोई महत्व नहीं है। अब जब रह रहे हैं तो हमें अपनी मर्जी से नहीं, अपने बनाने वाले की मर्जी से रहना है। क्योंकि कामयाबी उसी को मिलेगी जो उसकी मर्जी पर चले, अपने बनाने वाले की मर्जी पर चले।